بسم الله الرحمن الرحيم हमने एक मोहतरमा से कहा मैं दुआ करूं आप दोनों जन्नत में भी एक दूसरे के मियां बीवी रहें। चले मौलाना बद्दुआ नहीं करें। ये जो इनको 40 साल से बर्दाश्त कर रही हूं तो आप वहां भी चाहते हैं कि ये मेरे साथ ही रहें? तो ये भी जरा कोई पूछे तो सही ना, पता नहीं औरतें सुन रही हैं या नहीं। तो ये अच्छा दो तरफा है मामला, कभी ये उन्हें बर्दाश्त करते हैं कभी वो इन्हें बर्दाश्त करती हैं। अलबत्ता रिश्ता बड़ा मुश्किल है, ये वाहिद रिश्ता है जो करीब तरीन भी है और दूर तरीन भी है। एक साथ रहती है मगर दिमाग नहीं मिलता। और मेरी और आपकी बात नहीं कर रहा मैं जनरल उमूमी बात कर रहा हूं। बड़े बड़े लोगों का हाल ऐसा ही है, ये बड़े बड़े जो मेजर कर्नल जनरल होते हैं ना, घर में जाके टोपी उनके सामने रखते हैं। तवज्जो है। और ऐसा रिश्ता थक तो नहीं रहे, और ऐसा रिश्ता है कि जो अपने शौहर के साथ रहते हुए शौहर को नहीं मानती। जी डॉक्टर साहब अपने बच्चे की बीमारी पर नुस्खा लिखने बैठे, बेगम साहिबा ने दूर से देखा कि कुछ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कहा तुम्हें पता नहीं इमरान बीमार है, दवा लिख रहा हूं। कहा नहीं 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 नहीं, अपने दोस्त से मशवरा कीजिए। अरे सारी दुनिया हमें दिखाती है, हमारे मतब पे तिल धरने की जगह नहीं होती, और तुम कह रही हो कि हम अपने फलां दोस्त से मशवरा करूंगा। नहीं नहीं, आपने फलां को भी दवा दी थी आज तक अच्छा नहीं हुआ। इंजीनियर साहब अपने प्लॉट के पैर लकीरें खींचने बैठे के ऐसा मकान बना लेते हैं। मोहतरमा ने पूछा क्या कर रहे हैं? क्या वो अपना प्लॉट है ना उसको बनाने जा रहे हैं? नक्शा बना रहा हूं। नहीं भाई नहीं, आप फलां दोस्त से पूछिए। अरे भाई हम नक्शे हमसे दुनिया बनवाती है, हम अपने घर का नक्शा खुद नहीं बनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आपने फलां का घर भी बनाया था, उनकी दीवार टेढ़ी लगती है। ऐब निकाल दिया। जी एक सन्यासी बाबा अपनी बीवी के सामने आके खड़ा हो गया। देखा था आज एक आदमी हवा में उड़ रहा था। कहना हाँ मैं आंगन में बैठी थी, सहन में बैठी थी, चारपाई पे एक आदमी उड़ता हुआ गया। कहा हम ही तो थे। कहना जब ही टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे आप। अच्छा मुमकिन है कहीं से आवाज आ जाए मौलाना अपना भी तो हाल बताइए। तो हाल तो हमारा भी अच्छा नहीं है। हमने शालीमार में मस्जिद अली में मजलिस पढ़ी, खिताब किया, मोहतरमा भी सुन रही थी। जी अब हम घर में जब पहुंचे तो उनके सामने से चार दफा गुजरे कि आप तारीफ कर दें कि मजलिस बड़ी अच्छी पड़ी हमने। चार दफा गुजरने के बाद खुद ही नकते हो गए। हमने कहा आज मजलिस में नहीं थी क्या आप? कहना थी। मैंने कहा तो कैसी रही मजलिस? कहले वो तारीफ करे जो आपको जानता ना हो। तो हाल तो हमारा भी अच्छा नहीं है, यानी बेगमात के हवाले से। जी तो बीवी जो है ना बहुत मुश्किल से मानती है। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।